प्रिय छात्र छात्राओं, मित्रों एवं साथी शिक्षकों, मैं डॉक्टर पीके वर्मा इन्फेक्शियस डिजीज के पिछले सेशन में मैंने वायरस की खोज, उसकी रचना, उसके क्लासिफिकेशन और एक ब्रीफ में लाइफ साइकिल की चर्चा किया था। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जितने वायरसेज होते हैं, चाहे वह किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहें, प्लांट में रहें या एनिमल्स में रहें, ये हमेशा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए इसे वायरस नाम दिया गया, जिसका अर्थ ही होता है टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैला पदार्थ, और हिंदी में भी इसे विषाणु नाम दिया गया। आज हम लोग वायरल डिजीजेज को थोड़ा अधिक विस्तार के साथ समझेंगे, एक एक कॉमन वायरल डिजीज की चर्चा करेंगे। वायरस के इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ बातें मैं यहाँ फिर से दोहरा रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि यह एक संक्रामक रोग है, तो संक्रमण यानी किसी चीज के आगमन से उत्पन्न होने वाला रोग। किसके आगमन से? तो रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख एजेंट कौन कौन है? तो वायरसेज है, जो अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दिख नहीं सकते हैं, सामान्यतः इसकी जांच करना मुश्किल है। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलमेंथिस, इनमें हेलमेंथ से यानी जोंक से होने वाली बीमारियां छूत की बीमारी नहीं है, किसी आदमी के संपर्क में आने से दूसरे में नहीं जा सकता है, यानी कि यह नॉन कंटेजियस है। लेकिन बाकी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी किसी न किसी प्रकार के संपर्क, भोजन या पानी के या हवा के प्रदूषण से फैलता है, इसलिए वह छूत की बीमारी यानी कंटेजियस डिजीज है। तो इन सभी में सबसे पहला वायरस ही है जिस पर हम विशेष ध्यान देकर अभी के सेशन में डिस्कशन रख रहे हैं। अब ये वायरस क्या है? तो ये माइक्रोस्कोप से यानी कि साधारण कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई पड़ने वाला पार्टिकल है। साधारण माइक्रोस्कोप से हम 5-10 माइक्रोमीटर साइज के सेल्स को देख सकते हैं, लेकिन जो सेल के आकार से बहुत छोटा हो, सब सेलुलर पार्टिकल हो, उसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। अब इसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और इस डीएनए या आरएनए को जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, घेर करके प्रोटीन का खोल बना रहता है। इस खोल के निर्माण में जितने प्रोटीन काम आते हैं, हर इकाई प्रोटीन को कैप्सोमियर कहते हैं और प्रोटीन के पूरे खोल को कैप्सिड कहते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो शक्तिशाली एंटीजन है, जो हमारे बॉडी से रिएक्ट करते हैं, हमारे सेल्स और टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। इनमें से कुछ बीमारियां जानलेवा भी हैं। तो हम लोग जब एक एक करके बीमारियों की चर्चा करेंगे, तो कई ऐसी बीमारियों का पता चलेगा जो हाल फिलहाल में
बहुत सारे लोगों के मृत्यु का कारण बन गया है। अब जब यह कोई वायरस स्वतंत्र रूप से हवा में, मिट्टी में, पानी में कहीं रहता है तो यह निर्जीव कण की तरह रहता है, लेकिन जब यह किसी सजीव कोशिका को अटैक करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए को पोषक कोशिका में डाल देता है। अब यह पोषक कोशिका उसे पहचान नहीं पाता है, उसे नष्ट नहीं अगर करता है तो सामान्य तरीके से जैसे हमारा सेल अपना डीएनए और अपना आरएनए बनाता है, उसी तरह वह वायरस के डीएनए और आरएनए का भी निर्माण करने लगता है। एक सेल के अंदर 50, 60, 100 वायरस के जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बन जाता है और इसी जेनेटिक मटेरियल में वायरस के द्वारा बनाए जाने वाला कोई एंजाइम हो सकता है, खोल वाला कैप्सोमियर प्रोटीन हो सकता है, विभिन्न प्रकार के एंटीजन हो सकते हैं, यह सब हमारी कोशिकाएं बनाती हैं। अब एनिमल्स में आरएनए और डीएनए दोनों प्रकार के वायरस अटैक करते हैं, लेकिन अधिकांश एनिमल डिजीज आरएनए वाले वायरस से होता है। दो चार ही डीएनए वायरस हमारे अंदर रोग कारक है, लेकिन अधिकांश आरएनए वायरस हैं जो हमारे अंदर बीमारियों की उत्पत्ति करते हैं। तो हम लोग एक लिस्ट देखें कि कौन कौन से वायरसेज हमारे अंदर रोग कारक हैं, बीमारियों की उत्पत्ति करते हैं। आप देख रहे हैं इस टेबल में सबसे पहले ऊपर में मैंने तीन ऐसे वायरसेज का नाम दिया जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। स्मॉल पॉक्स यानी वेरियोला नाम की बीमारी 1970 के पहले भारत में हर एक घर में एक न एक व्यक्ति की जान ले लेता था। यह डबल स्टैंडर्ड सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए से बना है, ऑर्थोपॉक्स वायरस कहलाता है। यह संपर्क से या हवा में उड़ते हुए ड्रॉपलेट से फैलता है। पॉक्स का दूसरा रूप चिकन पॉक्स है, जो एक हर्पिस वायरस है या कांटेक्ट और ड्रॉपलेट से फैलता है, लेकिन हर्पिस वायरस का दूसरा स्पेसीज हर्पिस सिंप्लेक्स कीड़ों के द्वारा कीड़ों के काटने से फैलने वाला है। बाकी सब जितना हम डिजीज देखेंगे वह सब आरएनए वायरस से हुआ है। पोलियो माइलाइटिस पोलियो के नाम से प्रसिद्ध है, यह आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैर सूखे हुए। यह पाइकोर्ना वायरस है जो प्रदूषित भोजन और जल के कारण फैलता है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से फैलता है, हवा में उड़ने वाले ड्रॉपलेट से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। अगर कोई व्यक्ति हवा में बिना मास्क लगाए छींकता है, खांसता है, तो छोटे छोटे म्यूकस और पानी के बूंद उड़ते हैं, उसी में वायरस चिपका हुआ हवा में रिलीज हो जाता है।
इसे ही हम लोग ड्रॉपलेट कहते हैं। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस है, यह भी ड्रॉपलेट से फैलता है, जबकि रेबीज जंगली जानवरों के काटने से या एक व्यक्ति का बॉडी फ्लूड दूसरे व्यक्ति के बॉडी फ्लूड के संपर्क में चला जाए तो फैलता है। यह मम्स कॉमन वायरस है, पारामिक्सो वायरस या भी ड्रॉपलेट से फैलता है। मिजिल्स चेचक जैसा दिखने वाला एक अन्य बीमारी है, पारामिक्सो वायरस से फैलता है, कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट से यह स्प्रेड होता है। डेंगू फीवर फ्लेवी वायरस है, येलो फीवर आर्बो वायरस है, चिकुनगुनिया टोगा वायरस या अल्फा वायरस कहलाता है। आप जब नीट का परीक्षा दीजिएगा तो आपको बीमारी के साथ वायरस का ग्रुप नेम पूछा जाएगा, आपको बताना होगा कि कौन सी बीमारी किस ग्रुप के वायरस से फैलती है। ये तीनों के तीनों यानी कि डेंगू, येलो फीवर और चिकुनगुनिया, ये तीनों के तीनों एडिस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। इस एडिस को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। एड्स ये पिछले 30-40 साल से जाना जाने वाला रोग है। इसमें आरएनए के दो मॉलिक्यूल होते हैं। यह एक रिट्रोवायरस है जो कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से खासकर प्रदूषित ब्लड के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने से या रोगी माँ से उसके पेट में पल रहे बच्चे में जा सकने वाला वायरल डिजीज है। सार्स 1 जो 2002 और 3 के बीच 50-60 देशों में फैला था और अभी का प्रसिद्ध कोविड कोरोना वायरस 19, ये कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग और ड्रॉपलेट से बचाव के लिए मास्क के उपयोग की बात बार बार बताई जा रही है। अब इन सारे वायरल डिजीजेज को हम चार ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप है न्यूमोट्रॉपिक यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करे, जिससे नाक और गले में इन्फेक्शन हो, सांस की नलियों में अवरोध पैदा हो, सूजन हो, म्यूकस प्लग बने या इरिटेशन हो, तो कहेंगे यह न्यूमोट्रॉपिक वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, सार्स और कोरोना ऐसी ही बीमारियां हैं। डर्मोट्रॉपिक वायरस यह स्किन को प्रभावित करता है, त्वचा पर फफोले, घाव, रैशेज उत्पन्न करता है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और हर्पिस सिंप्लेक्स डर्मोट्रॉपिक वायरसेज से होते हैं। विसरोट्रॉपिक वायरल डिजीज में ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण आंतरिक अंगों को प्रभावित करते हैं, येलो फीवर, डेंगू फीवर, हिपेटाइटिस ए और बी, एड्स, ये सब शरीर के अंदर के अंगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें विसरोट्रॉपिक कहा जाता है। और चौथा ग्रुप है न्यूरोट्रॉपिक वायरस का, यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, रेबीज, पोलियो, इनकेफेलाइटिस, ये सब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीजेज हैं। तो अब हम लोग एक एक कर इन बीमारियों की चर्चा करें। स्मॉल पॉक्स का वायरस काफ़ी बड़ा, लंबाई में
302 से 350 नैनोमीटर और चौड़ाई में 244 से 270 नैनोमीटर का अंडाकार वायरस है। इसके अंदर काफ़ी लंबा डीएनए है, 146 किलो बेस पेयर्स लंबाई का डीएनए है, जिसके दोनों छोर आपस में जुटकर हेयर पिन लूप बनाए रहते हैं। यह हवा में उड़ने वाले ड्रॉपलेट्स और सीधे संपर्क के कारण फैलता है। इस बीमारी में शरीर के ऊपर रैशेज उत्पन्न होते हैं और जहाँ तहाँ फफोले और घाव उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः 3 से 10 दिनों में इन घावों के ऊपर पपड़ी पड़ने लगती है, सूखने लगता है घाव, लेकिन जब तक अंतिम पपड़ी टूटकर नीचे नहीं गिर जाए, शरीर से अलग नहीं हो जाए, यानी कि सारे घाव भर नहीं जाए, तब तक इस रोगी के संपर्क में आने से दूसरे को भी बीमारी हो सकती है। इस रोग में फफोलेदार घाव के अलावे काफ़ी हाई फीवर 101 डिग्री से अधिक दिखाई पड़ता है। अब देखिए, यह है स्मॉल पॉक्स का वायरस। एक अकेले वायरस को आप डायग्राम में देखिए, इतना बड़ा है। यह सेंट्रल कोर है। इस स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज बहुत पहले हुई थी जेनर के द्वारा। जेनर को ही हम लोग इम्यूनोलॉजी के जनक यानी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। बाद में कॉलरा और अन्य बीमारियों के वैक्सीन की खोज हुई। हालांकि यह दुनिया के अधिकांश हिस्से में अब नहीं होता है, लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि यह दोबारा अपीयर नहीं हो सकता, यह कभी भी अपीयर हो सकता है। चिकन पॉक्स एक दूसरे तरह का पॉक्स है, यह वेरिसेला है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला था, यह वेरिसेला है। यह भी भयानक छूत की बीमारी है, जिसके वायरस का नाम है वेरिसेला जॉस्टर। यह हर्पिस वायरस ग्रुप का सदस्य है। ड्रॉपलेट और रोगी के स्किन के कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसमें भी हाई फीवर के साथ रैशेज होते हैं। पेशेंट बड़ा तकलीफ सा महसूस करता है, शरीर में काफ़ी दर्द होता है। इसका वैक्सीन हर जगह उपलब्ध है, बच्चे में लगाया जाता है। बच्चों में एक मीजल्स का भी वैक्सीन लगाया जाता है, जिसे रूबेला वायरस कहते हैं। यह श्वसन सिस्टम को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। इसमें भी छोटे छोटे लाल दाने उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें लहर और जलन होता है। यह कंठ और फेफड़े की नली को भी प्रभावित करता है। इसके लिए स्वाज वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, जो 1.5 साल 1.5 साल के बच्चों में दिया जाता है। मिजल्स के वायरस को आप इस फोटोग्राफ के थ्रू देख रहे हैं। देखने में चाहे कोई भी वायरस कितना ही खूबसूरत हो, इसका स्वभाव बदसूरत है, क्योंकि यह हमेशा हानिकारक है। कोई भी वायरस आज तक लाभदायक नहीं मिला। पोलियो आप अपने आसपास, खासकर गरीब बस्ती में, किसने किसी ऐसे बच्चे को देखिएगा जिसका एक पैर या दोनों पैर काफ़ी सूखा हुआ है। यह पोलियो के कारण है। यह पाइकोरोना वायरस से फैलने वाला है।
और प्रदूषित पानी और भोजन के द्वारा गंदी जगहों पर खेलने कूदने के कारण यह फैलता है। इसका वायरस बहुत ही छोटा, सबसे छोटे वायरस के ग्रुप में आता है, जिसका आकार सिर्फ 30 नैनोमीटर है, यानी बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के या अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारे ही आप इसे देख सकते हैं। यह भोजन नली में आने के बाद ब्लड और लिम्फ को प्रभावित करता है और वहाँ से फिर यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचता है और नर्व कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न की सेल्स को नष्ट करने लगता है, जिसका प्रभाव यह होता है कि नर्व का मसल पर से कंट्रोल लूज होने लगता है। मसल का भी विकास प्रभावित होता है, यह धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और इसके कारण बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। इसका वैक्सीन घर घर घूमकर अभी भी भारत में दिया जा रहा है, जबकि भारत को अब रोग मुक्त माना जा रहा है। कोई नया इन्फेक्शन पोलियो का भारत में पिछले 2 साल से नहीं मिल रहा। कॉमन कोल्ड ये पाइकोर्ना वायरस से होता है। नाक और गले की फेरिंग्स की नलियों को यह प्रभावित करता है। आँख से नाक से काफ़ी पानी बहने लगता है, पेशेंट छींकने लगता है, कफ, सर में दर्द और बुखार इत्यादि इसके लक्षण हैं। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है, यह भी श्वसन नली को प्रभावित करता है। काफ़ी ठंड के साथ, काफ़ी शरीर में दर्द के साथ तेज बुखार आता है। गले से और नाक से काफ़ी म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। आमतौर से कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारियां 3 से 5 दिन में स्वतः खत्म हो जाया करती हैं। रेबीज, ये रेबीज वायरस आमतौर से जंगली जानवरों के सलाइवा में, डॉग में, फॉक्स में, उल्फ में, जैकाल में, मंकीज में, मैंगूज में पाया जाता है। इसके काटने से रेबीज फैलने की संभावना रहती है। कॉन्टैक्ट से रेबीज का फैलना बहुत कम पाया जाता है। संपर्क से रेबीज का फैलना बड़ा ही दुर्लभ है। रेबीज का रोगी पानी से डरता है, इसलिए इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। मम्स गलफुल्ली बीमारी हमारे पैरोटिड ग्लैंड में सूजन उत्पन्न करता है, पैरोटिड ग्लैंड फूल जाता है, बुखार आता है, खाने का निगलना मुश्किल हो जाता है। यह डायरेक्ट संपर्क में छींकने खांसने से तो फैलता ही है, जूठे भोजन से भी यह फैलता है और गर्मी के मौसम में भी यह आराम से फैल सकता है। डेंगू नाम का बुखार बैकबोन फीवर कहलाता है। एडिस मच्छर के द्वारा यह फैलता है। इसमें सर दर्द, आँख के पीछे काफ़ी दर्द, हाथ पैर की उंगलियों के जोर और मसल्स में दर्द, भूख की कमी, छाती पर और बाह पर छोटे छोटे रैसेज की उत्पत्ति, जी मिचलाना, कह हो जाना इत्यादि इसका लक्षण है। लेकिन कभी कभी आगे बढ़कर यह हिमरेजिक फीवर में बदल जाता है, जबकि हाई फीवर रहता है, प्लेटलेट काउंट घटने लगता है और शरीर के अंदर ब्लड की नलियों के फटने की संभावना हो जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण डेथ हो जाता है। येलो फीवर दूसरा अरबो वायरस से फैलने वाला बुखार है। एडिस मच्छर इसका भी वाहक है। इस फीवर में भी सर दर्द,
हाई फीवर, वोमिटिंग, किडनी के नलियों का टूट जाना, फटने लगना, यह बहुत खतरनाक लक्षण है। किडनी, स्प्लीन, लीवर, यह तीनों को यह डैमेज कर सकता है और इसलिए डेथ की संभावना और भी अधिक हो जाती है। पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है क्योंकि किडनी डैमेज के कारण जॉन्डिस की उत्पत्ति होती है। हालांकि येलो फीवर का वैक्सीन 1950 के पहले बन चुका था और इस खोज के लिए मैक्स थीलर को 1951 में नोबेल प्राइज भी मिला था। चिकनगुनिया पिछले 10-15 साल से प्रचलित रोग है, अफ्रीकन बीमारी है जिसमें पूरा शरीर झुक जाने के कारण अफ्रीका के लोग इसका नाम मोकोंडो या बंटू डिजीज कहते थे। चिकनगुनिया शब्द भी बंटू भाषा की ही शब्द है। इसमें 102 डिग्री बुखार हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द और इरप्शन, फफोले पड़ जाते हैं, हाथ में, पैर में, पेट पर बड़े बड़े फफोले उत्पन्न होने लगते हैं, हाथ पैर के ज्वाइंट में काफ़ी दर्द रहता है। तो भले ही 5-6 दिन में रोगी का बुखार घट जाए लेकिन ये फफोले काफ़ी दिन तक सूखने में समय लेते हैं और जो जोड़ों की दर्द है, आर्थराइटिस है, उसे ठीक होने में 3-4 महीने का समय लग सकता है। बर्ड फ्लू आमतौर से चिड़ियों के द्वारा फैलने वाला एवियन इन्फ्लुएंजा है, लेकिन इसका एक प्रकार N1H5 या H5N1 HPAI जो बर्ड में था वह आदमी में भी आ सकता है। इसलिए जब भी यह रोग फैलता है तो बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड को तो मारना मुश्किल है लेकिन चिकन जैसे बर्ड्स को मार दिया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड इसे फैलाने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। 2006 में यह 65 कंट्रीज में, 2007 में 55 कंट्रीज में और 2008 में पूरी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में फैल गया था। इसी तरह से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स नाम की बीमारी, 1980 के पहले मनुष्य में नहीं था। 80-81 के समय इसका पता चला। यह एक रिट्रोवायरस है, आरएनए वायरस, जो हमारे बॉडी के रोग निरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, हमारे टी सेल, खासकर टी हेल्पर सेल्स को नष्ट करता है। इसलिए एंटीबॉडी को, एंटीजन को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है और एंटीबॉडी के निर्माण की क्षमता काफ़ी घट जाती है। परिणाम यह होता है कि रोगी विभिन्न रोगों से सफ़र करने लगता है और इन्हीं विभिन्न रोगों के कारण मृत्यु हो सकती है। एड्स के वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV सीधे किसी रोगी को मारता नहीं है। यह अनसेफ सेक्स रिलेशन के कारण रोगी का ब्लड किसी निरोग के अंदर डाल दिए जाने के कारण या रोगी माँ से उसके पेट में पल रहे बच्चे के अंदर भी जाने वाला वायरल डिजीज है। सब सहारन कंट्रीज में यह सबसे अधिक है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी अधिक है, लेकिन
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत कम प्रभावित हैं, उनमें शायद ही किसी व्यक्ति में यह एड्स नामक बीमारी पाई जाती है। अपने भारत में मिडिल और साउथ इंडियन स्टेट्स में एचआईवी की काफ़ी अधिक संख्या पाई जाती है। बगल में झारखंड और मध्य प्रदेश में भी एचआईवी से पीड़ित काफ़ी लोग पाए जाते हैं। यह एचआईवी का वायरस है। इस फिगर में आपको अंदर सेंटर में दो आरएनए दिखलाया गया है, दोनों के साथ साथ एक एक लाल रंग से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिखलाया गया है। उसके चारों ओर का यह पूरा एरिया प्रोटीन से ढका रहता है, लेकिन जब यह लिम्फोसाइट से बाहर आने लगता है तो लिम्फोसाइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यह लिपिड बायलेयर इसमें चारों ओर से लिपट जाता है। इसकी सतह पर वायरस का अपना एंटीजेनिक प्रोटीन है और यह GP120 यानी कि 120 नंबर का यह ग्लाइकोप्रोटीन जगह जगह पाया जाता है। यह सिर्फ एक मॉडल है, कोई किताब इसे फूल के आकार का तो कोई मशरूम के आकार का लिखता है। आप यही समझिए कि सतह पर बाहर निकला हुआ सरफेस पर प्रोजेक्टेड बहुत सारे GP120 नाम के प्रोटीन हैं, जिनकी मदद से यह लिम्फोसाइट की सतह पर जाकर जुटता है, लिम्फोसाइट में अपना आरएनए डाल देता है। इसका डिटेल स्टडी आप एक अलग सेशन में भी करेंगे। जापान में ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस HTLV-3 या लिम्फ एडिनोपैथी वायरस LAV का पता चला। यह कैरिबियन कंट्री में भी मिला, जहां यह इम्यूनोडेफिशिएंसी उत्पन्न करता है, यानी इसका भी प्रभाव HIV की तरह होता है। अब SARS-1 जिसे कहिए, यह कोरोना वायरस का पहला रूप है, जिसका पता 2002 और 3 के बीच चला। यह हांगकांग से निकलकर 37 अलग अलग देशों में फैल गया। इसमें फ्लू के समान लक्षण उत्पन्न होता है, बुखार, थकावट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स यानी खाना नहीं पचना, पेट में दर्द होना, कफ होना, गले में खराश होना, उखड़ उखड़ करके सांस उत्पन्न होना यानी सांस लेने की तकलीफ होना, यह सब इसके लक्षण हैं। इसके अंदर आरएनए का पॉजिटिव स्ट्रैंड पाया जाता है। आप सिंपली समझिए कि यह एक आरएनए वायरस है। पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रैंड एक अलग बात है, जो अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इसी का एक नया स्पेसीज अब आपके सामने है, जिसे आप COVID-19 कह रहे हैं। यह है SARS वायरस और इससे मिलता जुलता लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक रूप में दिखने वाला यह COVID-19 है, यानी SARS-CoV-2। देखिए अंदर में इसके मॉडल में दिखलाया गया कि आरएनए है और सरफेस पर यह स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन यानी एस प्रोटीन है। सतह पर और भी कई प्रोटीन, एम प्रोटीन है, ई प्रोटीन है और आरएनए के साथ जुटा हुआ ये एन प्रोटीन है। तो इस तरह से आपने लगभग सभी प्रमुख बीमारियों का अध्ययन किया। वैज्ञानिक इन बीमारियों से लड़ने के लिए लगातार वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि हमें जल्द ही कोई ना कोई वैक्सीन अवश्य मिल जाएगा। तो इसी अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग अगले क्लास में फिर आगे इम्यूनोलॉजी की पढ़ाई करेंगे कि कैसे हमारा शरीर रोगाणुओं से अपना बचाव करता है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।
थैंक यू वेरी मच।